أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم सामईनो नाजरीन, ये अलगानिम ग्रुप की जानिब से तरबियती प्रोग्राम का चौथा हिस्सा है जिसके अंदर जनाजा का मसनून तरीक़ा आपके सामने मुख्तसर तौर पर बयान किया जाएगा। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم سامعین یہ اسلام ہی کا امتیاز ہے کہ اس نے ایک انسان کو اس کی زندگی और ज़िंदगी के बाद मौत दोनों हालतों के अंदर इकराम बख्शा है। युकरमुर रजुलु हय्यन व मय्यतन, इस्लाम के अंदर एक इंसान ज़िंदगी में और मरने के बाद भी मोहतरम और मुकर्रम रहता है। इससे बढ़कर इकराम क्या होगा कि हमारी शरीयत ने ये हुक्म दिया है के वफात के वक्त एक इंसान के साथ अच्छा सलूक किया जाए, उसके लिए इस्तिग़फ़ार किया जाए और फिर वफात के बाद उसको बेहतर ढंग से गुस्ल दिया जाए, कफन दिया जाए और लोग अपने कंधों पर ले जाकर उसे मिट्टी के अंदर एहतराम के साथ दफन करें और फिर उसके बाद उसके लिए ये दुआएं करें, उससे पहले नमाज जनाजा भी पढ़ें। तो ये सिर्फ इस्लाम ही का इम्तियाज और उसकी खासियत है। ये एक इंतहाई हसास मसला है कि किसी करीब और अजीज की वफात के वक्त एक इंसान जज्बाती हो जाता है और उसे उस वक्त एहसास होता है कि हम अपने अजीज़ व करीब की वफात के लिए हम क्या कुछ ना कर डालें। और जब उसके सामने ये बात आती है कि शरीयत ने जो उस पर नमाज पढ़ने का तरीक़ा बताया है वही उसे मालूम नहीं होता है, तो फिर वो कफे अफसोस मनता है, काश के मुझे नमाज का तरीक़ा मालूम होता और उस अजीज़ और करीब जिसकी वफात के ऊपर मैं आंसू बहा रहा हूँ ये मसनून तरीक़े से मैं उसकी नमाज जनाजा पढ़ा होता। ख़ास तौर से अपने वालदैन की वफात के बाद इंसान को एहसास होता है। बहुत से लोग ऐसे मिले जिनको अपने वालिद और वालदा की वफात के वक्त एहसास हुआ कि हमें भी ये नमाज जनाजा की दुआ याद कर लेनी चाहिए थी ताकि इस मौके पर मैं अपने वालिद का हक अदा करता। इसलिए ज़रूरी है कि हर एक इंसान और मुसलमान ये नमाज जनाजा की दुआ सिर्फ दुआ ही नहीं और उसके पढ़ने का तरीक़ा ही नहीं बल्कि ये मैयत के जुमला अहकाम को अच्छी तरीके से वो जाने और उसको बरते। चुनांच नमाज जनाजा का जो मसनून तरीक़ा है उसको बयान करने से पहले मैं मुख्तसरन उसके पहले के आमाल के ताल्लुक से चंद बातें आप लोगों के गोशे गुजार करना चाहता हूँ। सबसे पहला हक एक शख्स की वफात के बाद ये है कि उसके मुतालिकीन को खबर की जाए ताकि
ताकि उसकी तजहीज और तकफीन का इंतजाम हो सके और उसके लिए मगफरत की दुआ की जाए, मगफरत की दुआ की जाए और उसे फिर साफ शफाफ कपड़े के अंदर उसे कफन दिया जाए और कफन देने से पहले उसको गुस्ल देना चाहिए, गुस्ल देना चाहिए और गुस्ल का तरीका भी अहादीस के अंदर ये सराहत के साथ ये बयान किया गया है कि उसको वजू के बाद और इसी तरीके से तीन मर्तबा और दाहिने जानिब से शुरू होना चाहिए। गुस्ल के बाद उसको बेहतर सफ़ेद कपड़े में कफन देना औला और अफजल है, धारीदार रंगीन कपड़ा भी जायज़ है और कफन देने के बाद फिर उसको ये चारपाई पर उठा करके ये ले जाया जाए जनाजा गाह तक, ये उसका हक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बड़ी फजीलत बयान फरमाई है कि एक मुसलमान का हक दूसरे मुसलमान के ऊपर तबाउल जनाजा है, जो चंद हुकूक एक रवायत के अंदर पांच या छह हुकूक बयान किए हैं उसी के अंदर है कि इत्तबाउल जनाजा के उसके जनाजे के पीछे पीछे ये चला जाए। तो जनाजे के साथ जाना ये भी कार्य सवाब है। अगर कोई मैयत की नमाज जनाजा पढ़ता है तो उसको एक किरात का सवाब मिलता है और फिर उसे दफन तक उसके साथ जाता है, तदफीन में शरीक होता है तो दो किरात सवाब मिलता है और एक किरात ये एक जबले हुद के पहाड़ के बराबर ये करार दिया गया है। तो उसके गुस्ल और तकफीन के बाद उसकी नमाज जनाजा ये पढ़ना इस्लाम के अंदर ये फर्ज किफाया है, यानी किसी का भी इंतकाल हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा के लिए ये जमात होनी चाहिए, चंद लोग पढ़ लें तो फर्ज साबित हो जाता है और अगर कोई न पढ़े तो फर्ज किफाया का मतलब ये उस के लोग और उस गांव और उस इलाके के लोग गुनहगार होते हैं, बावजूद के इस हाल में कि कोई माने और कोई रुकावट न हो। तो नमाज जनाजा ये फर्ज किफाया है, फर्ज किफाया है। ये नमाज जनाजा कैसे पढ़ी जाएगी, कौन पढ़ाएगा? सबसे पहले मैं अर्ज करना चाहूँगा कि नमाज जनाजा के लिए हमारे यहाँ एक आम नज़रिया है कि मैयत के औलिया या घर में से कोई भी हाफिज और मौलवी हो तो नमाज जनाजा पढ़ा दे, हालांकि ऐसा नहीं है। ये अल्लामा अल्बानी रहमतुल्लाह ने इस बात को साबित किया है कि नमाज जनाजा जो अमीर और वली है वही पढ़ाएगा, यानी जो इलाके का और जमात का सरबराह है उसका नमाज जनाजा पढ़ाना ये औला और अफजल है। और दलील दी है कि नवासे रसूल हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ तो उनकी नमाज जनाजा के लिए हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत सईद इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर ये सुन्नत न होती तो मैं आपको आगे न बढ़ाता। और सईद इब्न आस ये मदीना के अमीर और गवर्नर थे, तो जिससे मालूम होता है कि हर शख्स को नमाज जनाजा के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बहरहाल जो भी इमाम और सरबराह हो ये उसकी इब्तिदा के अंदर हमें नमाज जनाजा अदा करने का हुक्म है। नमाज जनाजा के लिए भी तहारत यानी वजू वैसे ही शर्त है जिस तरीके से नमाज की अदायगी के लिए तहारत और वजू शर्त है। तो नमाज जनाजा के लिए सबसे पहले हमें, अगर हम ये हमें नापाक नहीं है
तो फिर हमें वजू करना चाहिए उसी तरीके से जिस तरीके से नमाज के लिए वजू करते हैं। और फिर उसके बाद ये इमाम के पीछे सफ लगा करके ये खड़े हो जाएं और नमाज़े जनाजा के अंदर चार तकबीरात होती हैं। पहली तकबीर जब इमाम अल्लाहु अकबर कहे तो उसके बाद अहादीस की रूह से और सुन्नत की रूह से ये सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी और उसके साथ कोई छोटी सूरह भी मिलाई जा सकती है, जैसा कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से सही रिवायत है कि उन्होंने एक जनाजे के ऊपर नमाज पढ़ी तो सूरह फातिहा पढ़ी और उसके साथ एक छोटी सूरह मिलाई और थोड़ा जोर से पढ़ा बताने के लिए कि ये सुन्नत है, हक है। कहा कि मैंने जरा बुलंद आवाज से इसीलिए पढ़ा ताकि तुम लोग जान लो कि ये सूरह फातिहा पढ़ना हक और सुन्नत है। तो ये तकबीर उला के बाद सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी। अगर इमाम उसके साथ कोई छोटी सूरह पढ़ता है तो कोई छोटी सूरह भी ये पढ़ी जा सकती है। बरखिलाफ इसके कुछ लोग सिर्फ सना पढ़ते हैं, जबकि सना का सबूत नमाज जनाजा के लिए किसी भी हदीस से सना का सबूत नमाज जनाजा के लिए नहीं है। तो जो चीज साबित नहीं है उसको पढ़ते हैं और जो साबित है उसको नहीं पढ़ते हैं, जबकि मसनून तरीका यही है कि तकबीरे उला के बाद ये सूरह फातिहा पढ़ी जाए और फिर तकबीरे सानी उसके बाद अल्लाहु अकबर के बाद ये दरूद शरीफ पढ़ा जाता है। दरूद शरीफ वही है जो नमाज के अंदर तशहुद के अंदर पढ़ा जाता है। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یہ درود پڑھنے کے بعد پھر تیسری تکبیر امام کہے گا तो तीसरी तकबीर के बाद ये मैयत के लिए इखलास के साथ लिल्लाहियत के साथ दुआ की जाएगी। दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ दुआएं साबित हैं। मारूफ दुआ तो वही है अल्लाहुम्मा फिर लहियना व मैयतना व शाहिदना व गायबना व सगीरना व कबीरना व ज़किरना اللهم من احيته منا فاحي الاسلام ومن توفيته منا توفاه الايمان تو یہ مشہور دعا ہے، احادیث سے ثابت ہے اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا ونسانا اللهم من احيته منا فاحي الاسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الايمان ये दुआ साबित है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसके अलावा भी और दुआएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी हैं, साबित हैं। उन्हीं मशहूर दुआओं में से اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعافو عنه और अकरम नुज़ुलहु ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه وقه عذاب القبر وعذاب النار یہ دعا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ دعا بھی یاد ہو تو یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی
शख्स नाबालिग है, मय्यित नाबालिग है, बच्चा है, तो उसके लिए सलफ से अहादीस ही से माखूज ये दुआ है कि ये अल्लाहुम्मा जअलहु लना फरतन व सलफन व अजरा और जुखरा, तो ये बच्चे के लिए ये इजाफा भी किया जा सकता है, जबकि औला और अफजल वही है कि अल्लाहुम्मा फिर लहीना व मय्यतना, उसके अंदर सगीना व कबीना के अंदर वो दाखिल है कि बच्चे के लिए भी वो दुआ है, वो जामे है और सबको शामिल है। इसलिए दूसरी दुआएं याद ना हो तो तीसरी तकबीर के बाद यही पढ़ना चाहिए, अल्लाहुम्मा फिर लहीना व मय्यतना इला आखिरी, जो दुआ बताई गई। तो ये दुआ है और ये इखलास के साथ पढ़ना चाहिए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि इखलास के साथ पढ़ो, इसलिए कि इबादत है, जिस तरह दीगर इबादतों के अंदर इखलास है इसी तरह इसके अंदर भी इखलास होना चाहिए, रिया और शुमा नहीं होना चाहिए, दिखावे के लिए नमाज जनाजा नहीं पढ़नी चाहिए। अगर कोई शख्स दिखावे के लिए नमाज जनाजा पढ़ता है, जैसा कि आजकल आम तौर से देखा जाता है, बहुत से लोग दिखाने के लिए कि मैं जनाजे में हाजिर था, मैंने पढ़ी, मैं मौजूद था और इस तरह का मुजाहरा करते हैं, तो ये अमल किसी भी तरीके से जायज़ और दुरुस्त नहीं है और ये कि उसका सवाब भी नहीं मिलेगा। और इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ करने का हुक्म दिया तो उससे ये बात भी साबित होती है कि ये मय्यत को ये दुआ का फायदा पहुंचता है, जैसा कि इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया और इसी तरीके से दुआ करने का हुक्म दिया, तो नमाज जनाजा में जो दुआ की जाए तो उसका फायदा क्या है, मय्यत को पहुँचता है। अलगरस तीसरी तकबीर के बाद मय्यत के लिए दुआ की जाएगी और फिर चौथी तकबीर इमाम कहेगा तो उसके बाद इमाम क्या है, ये सलाम फेरता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह जिस तरह कहे इसी तरीके से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहना चाहिए। और ये नमाज जनाजा का मसनून तरीक़ा है जो आपके सामने बयान किया गया। नमाज जनाजा के ताल्लुक से और चंद बातें भी जो उससे मुताल्लिक हैं ये बयान कर देना मुनासिब मालूम होता है। नमाज जनाजा पढ़ने के लिए जब मय्यत को उसके घर से उठाया जाए तो सुन्नत यही है कि उसके घर से मय्यत के साथ जनाजे के साथ चला जाए, और ये जनाजे के साथ चलना ये सवारी के साथ भी और पैदल दोनों तरीके से जायज़ है, लेकिन मसनून तरीक़ा ये है कि जो पैदल चलने वाले हों वो जनाजे के आगे पीछे दाएं बाएं उसके करीब चलें, उनके लिए हर तरीके से चलना जायज़ है। अलबत्ता जो लोग सवारी से जाएं तो सवारी वालों को ये जनाजे के आगे नहीं जाना चाहिए, सवारी वाले ये जनाजे के ये पीछे पीछे ही जाएं। तो ये नमाज जनाजा ले जाने का तरीक़ा हुआ। और इसी तरीके से एक मसनून तरीक़ा जिससे गफलत बरती जाती है वो ये है कि जब मय्यत को मय्यत का जनाजा कब्रिस्तान के अंदर ले जाया जाता है और कब्र के अंदर उतारने की बात होती है तो आम तौर से लोग आगे की जानिब यानी जनाजे को मसाही को रख देते हैं, जबकि ये मसनून ये है कि पायताने से ये मय्यत को जनाजे को सरका करके कब्र के अंदर उतारा जाए, कब्र के अंदर उतारा जाए। कब्र के अंदर उतारने के बाद ये चंद लोग कब्र के अंदर पहुंच करके उतारेंगे मय्यत को, और यहाँ पर ये बात भी नोट करने के काबिल है कि कब्रिस्तान के अंदर वही शख्स उतरे जो उससे कबल रात के अंदर उसने अपनी बीवी के साथ क्या है हम बिस्तरी न किया हो तो ये औला और अफजल है। इसलिए
कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत रुकैया का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कब्र के अंदर वो शख्स उतरे जो पिछली रात क्या है अपनी बीवी के पास न गया हो, इसीलिए उस्मान ने अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहीं उतरे। ये दूसरे सहाबी अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ग़ालिबन उतरे और उन्होंने ये मैयत को उतारा। तो कब्र के अंदर मैयत को लटाने के बाद फिर ये और कई कब्र को मैयत को कब्र में उतारते वक्त ये दुआ पढ़नी चाहिए, बिस्मिल्लाह अला मिल्लते रसूलिल्लाह, बिस्मिल्लाह अला मिल्लते रसूलिल्लाह। ये दुआ उतारने वालों के लिए साबित है। अलबत्ता जो लोग मिट्टी देते हैं और उस वक्त ये दुआ पढ़ते हैं, मिन्हा खलकनाकुम पहली मरतबा वफीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, तो ये दुआ किसी भी हदीस से साबित नहीं है। इस तरीके से मिट्टी ये देते वक्त पढ़ी जाए। जो कब्र के अंदर जनाजे को उतारने की दुआ है ज़्यादा से ज़्यादा वही पढ़ी जा सकती है, वरना बिस्मिल्लाह पर इत्तफ़ा किया जाए, बिस्मिल्लाह अला मिल्लते रसूलिल्लाह। तो मैयत और जनाजे को कब्र में उतारने और उसको दफन करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा था और जो आपने हुक्म दिया कि ये वहाँ पर मैयत के लिए दुआ की जाए, सबात कदमी की दुआ की जाए, इसलिए कि आपने फरमाया कि जब ये मैयत को कब्र के अंदर दफन कर दिया जाता है तो उसके बाद मुनकर नकीर आते हैं और सवालात करते हैं, तो ऐसे मौके पर ऐसे वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फस्तगफिरु लिअखीकुम और अवतलबु लहु अस्सबात औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुनकर और नकीर के सवाल के वक्त ये सबात कदमी और साबित कदमी के लिए ये दुआ करने का हुक्म दिया। तो इसलिए सुन्नत ये है कि दफन करने के बाद मैयत के लिए ये दुआएं इस्तिग़फ़ार की जाए, मग़फ़रत की दुआ की जाए और सबात कदमी की दुआ की जाए। वहाँ पर क़ुरान वगैरह पढ़ना या जिसको फातिहा खानी कहते हैं ये सब किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है इस तरह के आमाल को करना। हमें ऐसे मौके पर वही अमल करना चाहिए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। ये आपके सामने ये जनाजे की नमाज का मसनून तरीक़ा बयान किया गया, उम्मीद के आपने इसे समझ लिया होगा और उसके ताल्लुक से बाज़ दीगर अहकाम भी मुख्तसरन ये बयान कर दिए गए हैं। वक्त है जनाजा किन पर पढ़ा जाएगा? जनाजा जो बालिग हैं उनके लिए नमाज जनाजा पढ़ना फर्ज किफाया है। अलबत्ता जो बच्चे नाबालिग हैं उनकी नमाज जनाजा पढ़ना वाजिब नहीं है, नमाज जनाजा पढ़ना वाजिब नहीं है, लेकिन वाजिब न होने का मतलब ये नहीं है कि जनाजा नहीं पढ़ी जा सकती और जनाजा नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ सकते हैं और पढ़ने का सवाब है, हाँ ज़रूरी नहीं है बच्चे की नमाज जनाजा पढ़ना। वो इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत इब्राहीम का इंतकाल हुआ जिनकी उम्र ये 18 महीने तकरीबन थी, तो उनके ताल्लुक से अहादीस के अंदर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा उनकी नहीं पढ़ी, जिसको दलील बना करके अइम्मा और फुकहा ने ये बात कही है कि ये अगर कोई मैयत नाबालिग है, बच्चा है,
तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ना ये वाजिब नहीं है, लेकिन पढ़ सकते हैं, पढ़ने का ये सवाब है। जो नमाज जनाजा की दुआ है उसके अंदर जो सगीरना का लफ्ज है वो इस बात की खुद दलील है कि छोटे बच्चे की नमाज जनाजा भी पढ़ी जाएगी अगरचे वाजिब नहीं है। और इसी तरीके से जो सलफ का तरीका रहा है कि बच्चे के लिए दुआ करते थे अल्लाहुम्मा अज्अलहु लना सलफा व ज़ुखरा, तो वो भी दलील है कि बच्चे की नमाज जनाजा पढ़ना साबित है और पढ़ी जाएगी। हाँ, नमाज जनाजा के अंदर एक टुकड़ा मैं भूल गया था, वो ये है कि जो ये अल्लाहुम्मा अग़फिर लहु व अरहमहु व आफ़ी व आफ़ू अन्हु, तो उसके आखिर में वला तहरिमना अजरहु वला तुदिल्लना बादहु और बाद रवायतों के अंदर वला तफ्तिन्ना बादहु, ये अल्फाज भी दुआ के साबित हैं, ये दुआ पढ़ी जा सकती है। तो बात ये थी कि किसकी जनाजे नमाज जनाजा पढ़ना वाजिब है और किसकी वाजिब नहीं है। तो बच्चे की नमाज जनाजा पढ़ना वाजिब नहीं है। इसी तरीके से ये अगर कोई मुसलमान ऐसा है जो फासिक फाजिर है और उसका फिस्क फुजूर खुला हुआ है, मिसाल के तौर पर वो तारीख़ सलात है और इसी तरीके से दीगर ये फहाशी और क्या है बेहयाई का काम अलग ऐलान करता है, या इसी तरीके से उसके ज़िम्मे लोगों के बकाए हैं, कर्ज हैं, तो ऐसे लोगों की नमाज जनाजा भी ये अइम्मा और फुकहा का कहना है कि अहले इल्म फजल नहीं पढ़ेंगे। वो इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसे लोगों का ये जनाजा ले आया था तो आप कहते कि सल्लु अला साहिबिकुम, कि तुम लोग अपने साथी की नमाज जनाजा पढ़ लो, और आप नहीं पढ़ते थे। चुनांचे ये रवायात के अंदर ये साबित है कि आपके पास ऐसे लोगों का जनाजा लाया जाता जिनके ऊपर कर्ज होता, तो आप पूछते कि क्या उसने अपने तरके के अंदर इतना माल छोड़ा है कि उसके कर्ज की अदायगी की जा सके। अगर इतना माल छोड़ा होता कि उसके कर्ज की अदायगी की जा सकती है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी नमाज जनाजा पढ़ाते थे, और अगर इतना माल न छोड़े हुए होता तो आप उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे और कहते थे कि तुम लोग खुद क्या है पढ़ लो। इसी तरीके से आपके पास खुदकुशी करने वाले की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आपसे कहा जाता, उसके जनाजे को लाया जाता, तो आप उसकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाते थे, इसलिए कि खुदकुशी करना ये भी क्या है गुनाह है कबीरा है, बल्कि उसकी सजा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है कि जिस तरीके पर वो खुदकुशी करता है, अपनी जान को बर्बाद करता है, वो क़यामत तक क्या है ऐसी उसकी सजा है कि वो अपनी जान को बर्बाद करता रहे। मिसाल के तौर पर अगर अपने पेट के अंदर छुरा घोंपता है तो मरने के बाद वो हमेशा क्या है ये छुरा ही घोंपता रहेगा, या जहर खाया है तो हमेशा उसकी सजा है कि जहर ही खाता रहेगा। तो इस तरीके से ऐसी खुदकुशी करने वालों की नमाज जनाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ते थे। इसी तरीके से एक शख्स की जनाजे को लाया गया तो आपने कहा कि तुम लोग पढ़ लो, तो फिर बाद में मालूम हुआ कि उसने क्या है माल गनीमत से खयानत किया था। ये खैबर के मौके का वाकया है कि खैबर के मौके पर एक शख्स की वफात हुई और उसके जनाजे को लाया गया और आपसे दरख्वास्त की गई, तो आपने कहा कि तुम लोग पढ़ लो, और जब दरियाफ्त किया लोगों ने उसके सामान को तलाश किया तो मामूली सी चीज जो 2 दिरहम के बराबर थी उसने खयानत की हुई थी, यानी माल गनीमत की तकसीम से पहले ही उसने ले लिया था। तो जिसको गुरूर और खयानत कहा गया है तो जिसका हिसाब किताब क़यामत के दिन देना होगा, तो आपने उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। तो ये सब वाकयात आदे रसालत के और अहादीस इस बात पर दलालत करती हैं कि ये ऐसे लोगों की नमाज जनाजा अहले इल्म फ़ज़ल को
नहीं पढ़नी चाहिए। हाँ, वो मुसलमान है तो आम लोग उसकी नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं। ये इबरत के लिए, नसीहत के लिए, कि ताकि लोग इबरत हासिल करें और नसीहत हासिल करें और इस तरीके से गुनाह कबीरा के इर्तिकाब से अपने को महफूज रखें। तो ये नमाज जनाजा का ये मसनून तरीक़ा है और उसके मुतालिक बाज अहकाम हैं जो आपके सामने मुख्तसर तरीक़े पर बयान किए गए हैं। उम्मीद है कि, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जनाजे की नमाज को मसनून तरीक़े से अदा करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हमें क्या है फिर नदामत का एहसास ना हो अपने किसी अजीज और करीब की वफात पर, और हमें कभी अफसोस न मलना पड़े और अपने अजीज करीब और वालदेन के हुकूक को जिस तरह ज़िंदगी में अदा करते हैं उनकी वफात के बाद भी अदा करें। अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक दे। आमीन। वाखिर दावाना अन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुछ सवाल हो तो एक सवाल है, बच्चे की उम्र जो बच्चे पैदा होने से पहले निकाल गए। हाँ, अहम सवाल है, आता है, बहुत से लोग पूछते हैं कि बच्चा अगर पेट में ही हो और मुर्दा पैदा हो, या ये कि पेट में पैदा हो और कबल अज वक्त वफात पा जाए, तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जा सकती है या नहीं। तो उसके ताल्लुक से ये राजे बात यही है अहादीस की रोशनी में कि अगर बच्चा ऐसा है पेट के अंदर इतने दिन का है कि उसकी जनीन, पेट के अंदर बच्चा उसको जनीन कहते हैं, तो अगर रहम मादर के अंदर पेट के अंदर बच्चा इतनी मुद्दत का है कि उसके अंदर रूह फूंकी जा सकी है, और रूह फूंके जाने के बाद क्या है ये उसका इंतकाल पेट में हुआ हो या पैदाइश हुई हो, तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ना मसनून है, पढ़ी जा सकती है, इसलिए कि वो जी रूह है, जी रूह है। बाज़ रवायतों के अंदर है कि बच्चा पैदा होने के बाद ये रोए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, लेकिन उसके बरखिलाफ़ वो रवायत ज़्यादा सही और साबित है कि असिक तो युसल्ला अलैह, के जो नातमाम बच्चा कबल अज़ वक्त मुर्दा पैदा हो तो उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ी जाएगी। तो ये पढ़ना मसनून है, और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि वाजिब नहीं है, ज़रूरी नहीं है, पढ़ सकते हैं, पढ़ें तो उसका अजर और सवाब है। दूसरा सवाल उसके मुतालिक होता है कि ये कितनी मुद्दत का बच्चा हो के पढ़ी जाएगी। तो ये रूह जब उसके अंदर फूंकी जाती है, रूह कब फूंकी जाती है उसके ताल्लुक से ये आम तौर पर जो फुकहा का ख्याल है कि अहादीस की रोशनी में, अहादीस के जाहिरी लफ्ज की रोशनी में, कि पहले 40 दिन के अंदर, जैसा कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है कि इन्ना खल्कहादिकुम युज्मौ फी बत्न उम्मिही 40 यौमन अलकतन सुम्मा यकूनु मुज़गतन फी मिस्ल ज़ालिक इला आखिर हदीस, के 40 दिन वो अलका रहता है, यानी फिर उसी के बाद क्या है मुज़गा होता है, और फिर उसके बाद क्या है उसके अंदर क्या है हड्डी पर गोश्त पहनाया जाता है और फिर रूह फूंकी जाती है। तो तहकीक से ये बात, जैसा कि हमने एक मज़मून भी ये क्या है जदीद साइंस की रोशनी में और अहादीस की रोशनी में लिखा भी था, और ये बनारस से निकलने वाले मजल्ला सऊदुल उम्मा के अंदर 2 किस्तों के अंदर शायद ही हुआ था, उसके अंदर ये तहकीक से यही बात साबित की गई थी कि 40 से 45 दिन के दरमियान ये पेट में बच्चा हो तो उसके अंदर रूह फूंक दी जाती है। इसलिए जब 1.5 महीने के का बच्चा हो तकरीबन, तो उसके अंदर रूह फूंक दी जाती है, और उसके बाद बच्चा साकित हो या पैदा हो तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जा सकती है, मसनून है, मशरू है, यही हो रहा है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।